हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी जो बनकर तैयार हुई है बिना घी और बिना मीठे के, और ये हेल्दी तो इतने हैं कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। जो लोग मीठा नहीं खाते वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी मीठे का यूज़ नहीं किया है, चाहे वो चीनी हो या फिर गुड़ हो या फिर किसी भी तरह का कोई शुगर हो। और जो लोग ऑयल या फिर घी नहीं खा पाते हैं वो भी बेफिक्र होकर इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें घी या ऑयल का भी यूज़ नहीं किया गया है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए झटपट से बना लेते हैं इस रेसिपी को। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। अब बिल्कुल देर ना करते हुए झटपट से शुरू कर लेते हैं रेसिपी बनाने की तैयारी। हमने लेना है कोई भी कढ़ाई या फिर पैन, उसमें मैं डालूंगी आधा कप के जितना तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं वही। इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। इनको गैस की फ्लेम को सिम पर रखते हुए लगातार चलाते हुए हमें इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ी सी टाइम में ही ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छे से तिल सिक जाएंगे या यूँ कहें भुनकर तैयार हो जाएंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट में और रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम इनका यूज़ करने वाले हैं। फिर से इस कढ़ाई में हम डालने वाले हैं 1 कप के जितना मिक्स सीड्स। ये सीड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और इनमें कई सारे सीड मिक्स होते हैं, 4-5 सीड का ये एक मिश्रण होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इनके गुणों का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। बहुत ही हेल्दी और ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे गैस के फ्लेम को सिम पर रखते हुए। 4 से 5 मिनट इनको लगेंगे हमें ड्राई रोस्ट करने में और ये चटकना शुरू हो जाते हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट पर और इनको भी रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। आज जो भी इंग्रेडिएंट हम लड्डू बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो सभी काफ़ी हेल्दी हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ओट्स का। आज के लड्डू बनकर तैयार होंगे ओट्स के लड्डू। तो हमने ले लिया है 1 कप के जितना ओट्स को। ये जो नॉर्मल ओट्स खाने में यूज़ किए जाते हैं वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इनको भी हम गैस का फ्लेम सिम रखते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ओट्स को भूनने में 3 से 4 मिनट आसानी से लग जाएंगे जब हम इनको गैस के फ्लेम को लो करके भूनेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भून चुके हैं। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट पर और रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए एज़ यूज़ुअल। अब आते हैं अगले स्टेप पर। अब हमने फिर से इस बर्तन में ले लेना है मखाने को। हमने लेने हैं यहाँ पर 2 कप के जितना मखाना, जिन्हें लोटस सीड भी कहा जाता है। अब मखाने को भी हम करेंगे ड्राई रोस्ट। इनको भी 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा ड्राई रोस्ट करने में। यहाँ पर हम घी या ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी सीड्स को या फिर मखानों को भूनने के लिए। ड्राई रोस्ट आसानी से मखाने हो जाएंगे। इनका हमें चेक कैसे करना है, एक मखाना उठाएंगे और उसको इस तरह से उंगलियों और अंगूठे के बीच में क्रश करके देखेंगे। अगर ये परफेक्टली क्रश हो रहा है इसका मतलब मखाने अच्छे से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं मखाने भुन चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ बादाम लगभग आधा कप के बराबर और इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम इनको ड्राई रोस्ट करने में लगेगा। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें रखना है मीडियम। मीडियम गैस के फ्लेम पर इनको हमें लगातार भून लेना है बिना किसी घी और बिना किसी ऑयल के, और हमारे बादाम भी झटपट से भुनकर तैयार हो जाएंगे। इनको भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। इसके लिए हमने ले लिए हैं सभी ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, तिल, बीज और मखानों को भी। अब हमें लेना है एक मिक्सर जार जिसमें हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे मिक्स सीड्स जो हमने भून कर रखे हुए हैं। उनको मिक्स सीड्स को हमने ग्राइंडर जार में डाल देना है और 2 से 3 बार मिक्सी को रोक रोक कर चलाते हुए इनको हमें दरदरा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर बनाकर हमें नहीं तैयार करना है इन लड्डुओं को बनाने के लिए। लड्डू काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होंगे तभी बहुत अच्छे लगेंगे। अब जल्दी से हम इनको कर लेते हैं ग्राइंड और लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसमें सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, और ये जो हमने पीस कर तैयार किया है ड्राई फ्रूट्स को उनको भी इसमें निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम लेंगे ओट्स को और ओट्स को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और उसका भी एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन आटा हमें
ओट्स का नहीं बनाकर तैयार करना है। ये देखिए ओट्स भी हमारे पिस चुके हैं एकदम से दरदरा। इसके बाद हम लेंगे जो हमने वाइट तिल को भून कर रखा हुआ है और बादाम को भून कर रखा है, दोनों को एक साथ पीस लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बादाम कुछ बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे, कुछ टुकड़े होंगे और वही टुकड़े हमारे लड्डुओं को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। अब आती है बारी मखानों की। अब हम मखानों को भी मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इनका भी हमें पाउडर बनाकर नहीं तैयार करना है। हमें लड्डुओं को क्रंची बनाने के लिए दरदरा बनाकर इसको तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मखाने के टुकड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब लेना है एक स्पैचुला और इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। एक से दो मिनट का टाइम तो लगने वाला है इसको मिक्स करने के लिए। ये देखिए सारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स और सभी एक साथ मिक्स हो जाने चाहिए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। बस अभी थोड़ी सी मेहनत बाकी है हमें रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए। ये लड्डू इतने हेल्दी बनकर तैयार होंगे, इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे कि बार बार आप इन्हीं लड्डुओं को बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से हो चुका है मिक्स। अब हमें लड्डुओं को मीठा बनाने के लिए यूज़ करना है खजूर का। यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम खजूर और इनकी गुठली निकाल ली है। इनको मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पर किशमिश भी, इनको भी खजूर के साथ हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और हम इनको ग्राइंड करेंगे। इनका एक हमें इस तरह का थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अगर खजूर ग्राइंड नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसमें आधा कप दूध या फिर पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें डालकर हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। ये देखिए दोनों हाथों से तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये बिल्कुल लम्स लेस हो जाए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स ना रहे और ये खजूर वाला पेस्ट बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और आ जाए एक बाइंडिंग जिससे हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमने कोई घी या ऑयल का यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं ऐसे करते ही करते ये अच्छे से मिक्स हो गया है और एक बाइंडिंग आ गई है। अब इस बाइंडिंग से ही हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लेना है एक लड्डू के जितना ये मिश्रण और इसको इस तरह से जैसे हम लड्डू बनाते हैं इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए एक लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं आपके देखते ही देखते बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसको निकाल के रख देंगे एक प्लेट में। ये देखिए इनको आप दो हफ्ते आराम से रखकर खा सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। ये टेस्टी भी बहुत लगेंगे खाने में और सारी सर्दियां आप इन्हीं लड्डुओं को बनाकर खाएंगे क्योंकि ये हेल्दी भी इतनी है और जब इनको आप खाएंगे तो आपको इनके बेनिफिट्स का भी खुद से ही पता लगना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अंदर से भी खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दोनों तरह का मिक्सचर आपको मिलने वाला है, क्रंची भी और सॉफ्ट भी। अगर आप इन लड्डुओं को मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक किलो लड्डू लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर घर पर आपने बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू आप ये बनाकर खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये लड्डू वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।